हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुवान रॉयल्स पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एट बीन से पैसे किस प्रकार से विथड्रॉ करें और विथड्रॉ इससे पैसे हो जाते हैं या कि पैसे विथड्रॉ करने पे पैसे नहीं आते हैं अकाउंट पे, आदि प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। तो सबके बारे में आज फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल रुवान रॉयल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ले चलूँगा मैसेज बॉक्स पे, जो अभी अभी मेरे में मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में पैसे आ। तो चलिए हम आपको मैसेज बॉक्स खोल के दिखाते हैं। तो जैसे हम मैसेज बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए मेरे अकाउंट पे 410 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं, आप यहां से देख सकते हैं। और साथ ही में आप देखेंगे कि यहां पे देखिए 11:32 पे मेरे पे मैसेज आया था कि आपके अकाउंट पे पैसे आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और प्लस अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे अकाउंट पे 410 रुपये 11/8/2020 को आए हैं। तो ये थी प्रूफ के साथ में, मतलब कि बैलेंस आता है कि नहीं आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आईडी के ऊपर एच डी एम की और वहाँ से कुछ बातचीत करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए यह वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए अपने अकाउंट पे चलते हैं एच डी एम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने एच डी एम सी अकाउंट पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पूरी हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरी नंबर डायरेक्ट नंबर जो है मेरी टोटल 340 है, और एडवर्टाइजिंग का मुझे 350, डायरेक्ट इनकम मुझे 200, और लेवल इनकम है 40 रुपये। और टीम एड इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे, टीम एड इनकम मेरी 25 रुपये है, और यहाँ पे टोटल हो रहे हैं मेरे 619 रुपये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विथड्रॉ मैंने किया है 500 रुपये, तो यहाँ से 119 बच रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं विथड्रॉ। तो हम यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से क्लिक करने के बाद हम यहाँ आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो हम सिंपली इस पे साइड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा एड इनकम कितना आया, डायरेक्ट इनकम कितना आया, और यहाँ से आप देखेंगे कि मतलब लेबल इनकम हमारी कितनी है, और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि टीम एड इनकम कितनी है ऑल ट्रांजैक्शन। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे और यहाँ से हम अभी विथड्रॉ पे चलते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से हम विथड्रॉ हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, और इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया विंडो ओपन होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 10/8/2020 को अपने 500 रुपये यहाँ पे विथड्रॉ किए थे, जिसमें से 90 रुपये मेरा GST लग गया है, और यहाँ पर 410 रुपये, 410 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा चुका है कंफर्म। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कहाँ पे ऐड आते हैं, क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है माई एडवर्टाइज, और सिंपली यहाँ से इसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके ऐड शो हो जाएंगे। देखिए मैंने तो देख लिया कि यहाँ पर सीन लिखा हुआ आ रहा है, वरना आपको व्यू लिखा हुआ यहाँ आता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड शो होता है, उसको देख लेते हैं कि सीन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आ जाता है सीन लिख के। और देखिए आप अपनी पूरी टीम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई डायरेक्ट देख सकते हैं, अलग या टोटल डाउनलाइन से भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम सीधे अब ये बात आती है कि हम लोग अकाउंट कहाँ पे ऐड करें, मेन मुद्दा ये है कि अकाउंट हम लोग कहाँ ऐड करें। तो देखिए आप यहाँ पे सेटिंग टाइप के आइकन बना हुआ है, पर्सनल लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे एडिट बेनिफिशरी, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके शो हो रहा है कि अकाउंट नेम आपको यहाँ देना है, और यहाँ पे अकाउंट नेम देने के बाद में आप देख रहे होंगे कि अकाउंट नेम यहाँ पे, फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे, फिर IFSC कोड है, यहाँ एड्रेस, ये इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है तो हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि और तो सब ठीक है, फिर हमारा प्रॉफिट इसमें किस प्रकार से होगा, क्या होगा, जो हमने कोई क्या करना है।
धन्यवाद।